हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मार्वल टेस्ट पे, जहाँ पे आज आपके साथ शेयर करेंगे ब्लू राइस की रेसिपी। चावल तो हमारे घर आए दिन बनते ही हैं, लेकिन आज कुछ लेकर आए हैं हेल्दी, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने पूरा एक कटोरी लिया है बासमती राइस। आप जो भी नॉर्मल राइस अपने घर में खाते हैं उसे यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छे से वॉश करके करीब 20 से 30 मिनट्स के लिए हमने इसे ज़रूर सोक करने के लिए रखना है, जिससे कि हमारा चावल अच्छे से फूल जाए। उसके बाद बनाएंगे राइस, तो हमारे बहुत ही अच्छे राइस, खिले खिले राइस बनकर आएंगे। और बस चावल जब करीब 20 से 30 मिनट सोक हो जाएंगे, उसके बाद अब चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे रख रहे हैं पैन, ऐड कर रहे हैं चावल का 3 गुना पानी, यानी हमने एक कटोरी, इसी कटोरी के नाप से हमने चावल लिए थे और इसी कटोरी के नाप से हम 3 कटोरी यहाँ पर ले रहे हैं पानी। और गैस की फ्लेम को हाई करते हुए ऐड कर रहे हैं करीब 10 से 12 हमने यहाँ पर ब्लू पी फ्लावर्स। आपके पास अगर फ्रेश फ्लावर्स अवेलेबल हो तो आप उनका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ड्राइड फ्लावर्स का यूज़ करा है और इतने इसमें बॉईल आता है। यहाँ पे हम गैस पे चढ़ा रहे हैं दूसरा पैन। 2 चम्मच करीब घी ऐड करा है। घी गर्म होने के बाद ऐड करेंगे जीरा करीब 1 चम्मच ऐड करी है, जावित्री। साथ में ऐड कर रहे हैं 1 बड़ी इलायची और साथ में 2 छोटी इलायची यहाँ पर हमने ऐड करी है। दो तेजपात के पत्ते, छोटे छोटे से पत्ते हमने यहाँ पर ऐड करे हैं। 1 चक्रफूल ऐड करा है। साथ में ऐड कर रहे हैं करीब 2 साबुत काली मिर्च और 2 यहाँ पे लौंग। 1 छोटा सा पीस हमने ऐड करा है यहाँ पे दालचीनी का। अच्छे से खड़े मसालों को सोटे होने देंगे। इन खड़े मसालों का चावल के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन्हें बस 30 सेकंड्स के लिए हमने सोटे कर लेना है। गैस की फ्लेम हमारी स्लो पर है। चावल डालेंगे जो हमने सोक करे थे, उन्हें अच्छे से एक बार हमने और वॉश कर लिया है। उनका पानी निकाल के यहाँ पर हमने सारे ही चावलों को ऐड कर देना है और करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से हम इन्हें सोटे कर लेंगे घी में। दूसरी तरफ हमारा जो हमने फूल डाल के पानी बॉईल करा था वो भी बॉईल हो गया है और सारे ही बॉइल्ड वाटर को यहाँ पे हमने छान के डाल देना है, जिससे कि फ्लावर्स को हम अलग रिमूव कर सकें। और इन फ्लावर्स को हमने फेंक देना है, इनका कोई यूज़ नहीं है अब। और बस अच्छे से यहाँ पर एक बार चला लेंगे पानी को। आप इस टाइम पर अगर चाहें तो इन राइस में नमक भी डाल सकते हैं। हमने बिना नमक के बिल्कुल प्लेन राइस, हमारे घी वाले ब्लू राइस बना के तैयार करें हैं। और बस 10 मिनट के लिए इन्हें कवर करके रख देना है स्लो फ्लेम पर, या जब तक कि सारा पानी सूख नहीं जाता। और इस बीच में करीब 1 से 2 बार इन्हें ज़रूर चला देना है, जिससे कि चावल तले पे ना लगें और इक्वली चारों ही साइड से हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पर हमने बीच में करीब 1 से 2 बार इन्हें चला दिया था और जब तक कुक करा है, जब तक कि इनका सारा पानी सूख नहीं गया। तो आप देख सकते हैं हमारे चावल का सारा पानी सूख गया है। बस इस लेवल पे हमने गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारे चावल सॉफ्ट हो चुके हैं, चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं और परफेक्ट टेक्सचर के साथ हमारे चावल बनकर सर्विंग के लिए हैं तैयार। और गर्म गर्म चावल को सर्व करें किसी भी सब्जी के साथ, दाल के साथ, राजमा छोले किसी के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे चावल बनकर तैयार हैं। हमने हमारे चावल सर्व कर रहे हैं राजमा के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको हमारी ब्लू राइस की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।